हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। भाई काफी दिनों के बाद है ना, आज फाइनली अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। लगभग 25 दिन हो गए हैं अपनी ब्रेजा को सबमिट किए, और जब से हम लोग चला रहे हैं इस बलेनो को। अब बलेनो भी भाई मैंने कम से कम, मेरे को लगता है 500-700 किलोमीटर के आसपास तो चला ही लिया है। और खतरनाक बात इसकी है ना कि भाई एकदम हल्के से उसमें ना भाई इधर उधर भागने लगती है। मतलब स्टेयरिंग पे एकदम टाइट होल्ड होना जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो अपना ब्रेजा में आता है ना। मारुति गाड़ियों में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो सही है ना वो ब्रेजा ही है। बाकी जितनी भी गाड़ियां चलाई है ना मैंने, उनमें थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, इतना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता हूँ कि भैया गाड़ी में बैठा हूँ थोड़ा सेफ लग रहा है नहीं लग रहा है। हालांकि लोग ब्रेजा को भी बहुत ट्रोल करते हैं, बट इट्स ओके, मुझे वो पसंद है और मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ अभी तक के हिसाब से, और जितना मेरा बजट है उसमें वही सूट होती है अभी तक। तो अब देखो भाई कितने का खर्चा आएगा अपनी गाड़ी को ठीक कराने में, क्योंकि जो इंश्योरर है उन्होंने 2-3 दिन लगा दिए भाई एक्स्ट्रा। मतलब गाड़ी अपनी 3 दिन पहले रेडी हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी 3 दिन बाद मिल रही है। पहली चीज ये लगता है वो सर कहीं घूमने के लिए गए थे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। मैंने उनकी डीपी चेक करी है, राजस्थान में कहीं मजे ले रहे हैं, स्टेटस नहीं डीपी, तो हो सकता है कि राजस्थान में घूम रहे हो, कहीं ऐश कर रहे हो। तो क्योंकि कल रात को भी पार्टी मूड में लग रहे थे, लेकिन फाइनली अप्रूवल दे दिया उन्होंने। अब देखते हैं क्या काम हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन एक चीज मेरे को समझ नहीं आई कि भैया इस बार मेरे को ना ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर मैं रूटीन में जब पहले 1-2 बार मेरी लगी है, मतलब रूटीन वाली बात, मतलब मेरी तो लगी जाती है ना वाली बात है, क्योंकि इतना लंबा घूमते हैं, इतना ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी आए दिन लगी जाती है। अभी रुक जाओ जरा, 1 सेकंड में मिलता हूँ। हाँ जी, तो मुद्दे की बात यह है कि भाई इस बार थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ सैलवेज कट है, लोहे के पार्ट जो चेंज होते हैं ना उसके ऊपर 5% काटती है इंश्योरेंस कंपनियां। अब मुझे समझ नहीं आता कि भैया हमारे यहाँ पे हर चीज में चूतिया बनाया जाता है पब्लिक का। 5% सैलवेज काटते हो, एक तरफ बोलते हो जीरो डेप्रिसिएशन है, फिर बोलते हो कंज्यूमेबल्स भी कवर्ड है, फिर भी आप बंदे से कहीं ना कहीं करके ना किसी टेक्निक से, कोई ना कोई निंजा टेक्निक लगा के 5% 10% उससे ले ही लेते हो। तो काय बात का घंटे का जीरो डेप्रिसिएशन है, इससे बड़े तो नॉर्मली करा लेते हैं। मान लिया उसमें 20% कटता है, मतलब ईयर के हिसाब से कटता है जितनी पुरानी आपकी गाड़ी होती जाएगी। लेकिन मेरे को फायदा नहीं समझ आता, तो कभी कभी तो मेरे नहीं लगते, इस बार मेरे को लग रहा है थोड़े से ज्यादा पैसे लगेंगे। और अब देखूंगा कि अगली बार इंश्योरेंस कराऊंगा ना तो ये वाला पार्ट भी कवर करके चलूंगा। बाकी यार काफी दिन हो गए, कहीं रोड ट्रिप पे नहीं गए हैं। एक ब्रेजा मिल जाए थोड़ी सी एक्साइटमेंट है कि यार 21-25 दिन के बाद है ना अपनी गाड़ी मिल रही है। 21-25 मतलब 25 दिन के ऊपर हो गए अपनी गाड़ी को गए हुए, तो वो मैं भूल चुका हूँ। और मुझे है ना अब ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगी है। एक तो ऑटोमेटिक गाड़ी मैंने कभी चलाई नहीं, फर्स्ट टाइम चला रहा था, और उसमें भी इतनी बोरिंग, मतलब कि यार स्कूटी की तरह हूं करके चलती रहती है, मजा ही नहीं आता है। अब देखो भाई ये वापस चली जाएगी, लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस मिल गया अपने को ऑटोमेटिक का, ये अच्छी बात है। बाकी लेट्स सी कि गाड़ी में कितना काम हुआ होगा, क्या चीजें कैसे हुई हैं, और क्या चीजें अपने को करवानी पड़ेंगी, क्योंकि अपने जो आगे के प्रोजेक्टर थे ना फॉग लैंप वाले, वो अपने को दोबारा से लगवाने पड़ेंगे। उन लोगों ने निकाल के रख दिए थे, वो स्टैंडर्ड उनकी इंस्टॉलेशन में नहीं आते हैं, तो इस बार लगवाएंगे, और इस बार थोड़े अलग तरीके से लगवाएंगे। अभी तक वो पार्किंग में कनेक्टेड थे, अब उसको कनेक्ट करवाएंगे स्पेशल स्विच के साथ, ताकि भाई अपने हिसाब से मैनेज कर सके। और वायरिंग भी पहले भी अच्छी थी, लेकिन इस बार कोशिश करूंगा खुद देख के चेक करके तगड़ी वाली वायरिंग कराऊं, क्योंकि भैया आजकल आग वाग लगने के केसेस है ना बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो गाड़ी अपनी सबसे प्यारी, इसलिए पैसा लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उसके अंदर। अपनी गाड़ी है ना पहले मतलब हफ्ते भर के लिए तो गई हुई है, 10 दिन के लिए गई हुई है, लेकिन जो 25 दिन के लिए इस बार गई है ना, उसके बाद अभी लेने जा रहा हूँ ना, बड़ी खुशी सी फील हो रही है मुझे। तो पता नहीं कि मैं ही अकेला कर रहा हूँ या फिर तेरे को भी हो रही है, जनरली होता है मतलब लग रहा है ना। एक जैसे हम डिलीवरी लेने गए थे ना फर्स्ट टाइम, उसका मैं 50% कहूंगा कि वो वाला फील आ रहा है कि यार फाइनली गाड़ी मिल रही है अपनी वापसी। तो गए थे कि यार कब आएगी, मुझे तो रोने से लगता था यार कैसे बैठ के आ रहे हो। वो एक्चुअली क्या होता है ना, आपको इससे बड़ी भी दे देना कोई मुझे, अगर मतलब बदले में वो फॉर्च्यूनर दे देते ना, तब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि अपनी का जो कम्फर्ट होता है ना, जो आप रहते हो एक घर के अंदर या फिर गाड़ी के अंदर, वो आपको बन जाता है, वो आपको उसी में सुकून आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी अभी की जो एंड डेस्टिनेशन है ना वही है, मतलब अभी आपको उसी के साथ चलना है। अगर कभी आप अपग्रेड करो चेंज करो, मतलब अपनी जब कहलाएगी ना कोई चीज, तो उसमें ही सुकून आता है, चाहे दूसरे की, चाहे 50 करोड़ की हो, वो दूसरे की रहती है। अपनी भले ही ऑल्टो हो, लेकिन ऑल्टो ऑल्टो है फिर उसके आगे। तो भाई गुड़गांव आ चुके हैं, और ये देख लो कितना फ्यूल मैं रिटर्न में दे रहा हूँ, और कितने पे इन्होंने मेरे को दिया था, इन्होंने मेरे को दिया था येल्लो लाइट विद ई पे टच, और मैं फिर भी इनको बहुत ज्यादा दे रहा हूँ इस हिसाब से, मतलब आराम से अभी भी गाड़ी जो है 100 किलोमीटर के आसपास आराम से चलेगी। तो गाइस फाइनली पास को तो पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई भयंकर वाला ट्रैफिक लग रहा है। पिछले 300 मीटर से है ना रो रो के आ रहे हैं। भैया देखो लेफ्ट में आ गए एकदम कट मार के, अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं निकालूंगा कैसे, क्योंकि मुझे लेफ्ट में मुड़ना है, और बगल में हमारे ऑटो वाले भैया आ गए एकदम। तो भाई अपनी गाड़ी आ चुकी है, और ये सारा पार्ट इसका चेंज हुआ है पूरा का पूरा। ये देखो भाई इन्होंने लगा दिए यार, माइंड ब्लोइंग यार, इन्होंने फॉग लैंप लगा दिए। मेरे को लग रहा था खुद लगवाने पड़ेंगे, टेम्परेरी तो नहीं है ना यार, सही लगाए इन्होंने, बढ़िया कर दिया काम। अब चल रहे होंगे जब पता चलेगा कैसे चल रहे हैं।
सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ था इस वाले पार्ट में हुआ था, ये सब नया लग गया, ये नई लग गई, इसके अंदर जो लोहे का था ना वो डैमेज था, वो देखना पड़ेगा। नया लेग लग गया है, दिख तो रहा है ऊपर तक, बढ़िया वाला, मज़ा आ गया। चलो जी बाकी चला के पता चल जाएगा कोई दिक्कत होगी तो। ये तीन चार कर्टन छोड़ गया था मैं जानबूझ के, मैंने कहा छोड़ कोई नहीं कोई ले भी लेगा, लेकिन लिए नहीं किसी ने, कहा जब साले तुझे ही ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों लें। बाकी आगे तक ओके लग रही है, एकदम साफ सुथरी वाली खुशबू आ रही है अंदर से गाड़ी की। तो भाई ये वाली गाड़ी का हैंडओवर कंप्लीट हो चुका है ओके की रिपोर्ट कंडीशन में, और अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, अब उसको उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद शेयर करते हैं कि कैसा रहा। इस अभी मैंने नोटिस किया कि भैया इसमें हवा कम है एकदम, तो सबसे पहले हवा डलवानी पड़ेगी, बाकी चलाने के बाद पता चलेगा कि चाल चलाव में सही है या कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी वाला टायर पंचर लग रहा है यार मुझे, देखते हैं। चलो चलते हैं यहाँ से, पहले देखना यार ब्रेजा ब्रेजा है भाई, वो सब पीछे मैंने रखा है अभी, ये पता नहीं किसने रखा है पेप्सी का पानी। कुल मिला के मस्त लग रही है एकदम, अब इसमें चलते हैं जल्दी से यहाँ से बड़े, और देखें कि भैया ओके की रिपोर्ट है क्या है क्या हुआ है, और एसी वैसी चल रहा है क्योंकि एसी की दिक्कत आई थी, और दूसरी दिक्कत आई थी जो यहाँ से लग गई थी ना तो हीट हो रही थी गाड़ी। तो भाई सबसे पहले बैठते ही तो भाई एकदम महसूस हुआ कि पता नहीं कितनी ऊंचाई पे आ गए हम जमीन से, ऐसा लग रहा था जमीन में दबके चल रहे थे। जय हो गणपति महाराज, आशीर्वाद देना कि अपनी गाड़ी अब सेफ चले। तो बोलो बजरंग बली महाराज की। अरे यार मैं ऑटोमेटिक समझ बैठा हूँ भाई, ये तो गलत आदत लग गई है। देखो क्या कर रहा हूँ, ब्रेक पे पैर है और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी मैं राइट वाले पैर को लेफ्ट में ले जा रहा था क्लच के लिए। शिट मैन, पता नहीं कैसे ठीक होगी यार, बहुत ही खतरनाक है। एसी चल जा जल्दी से, सारी चीजें कंफर्म हो जाए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे ज्यादा डर लग रहा है मुझे कि मैं इसे चलाऊं कैसे, ऑटोमेटिक की बड़ी गंदी सी आदत हो गई थी, मतलब उस पर हाथ सेट हो गया था, अभी मेरे को अजीब सा लग रहा है बड़ा चलाने में, ऐसा लग रहा है बीच वाले पे ही ब्रेक मारना है, उसी से क्लच है, सब कुछ उसी से ही है। भाई क्या है ये चमत्कार सा, इतना लाइट स्टेयरिंग, इतनी लाइट ब्रेक, भाई एकदम ब्रेक ऐसे लग रही है घस से अंदर घुस जा रही है गाड़ी। मेरे को तो मतलब उसकी आदत हो गई थी, उसमें ब्रेक है ना बड़ी जाम जाम सी थी, एकदम ऐसे लग रहा है घच एकदम घुस जा रही है मेरे से, तो भाई कंट्रोल सी नहीं हो रही है अजीब सा, और स्टीयरिंग ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या मैं गेम खेल रहा हूँ फिंगर से, और ट्रक पे बैठ गए ऊंचाई पे, और पता है इसके फिंगर से ना ऐसे ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ मैं इसे, उसका स्टीयरिंग इतना टाइट हो गया था, चलाने की आदत ही छूट गई थी, उसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। भाई क्या हो गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। ओ भाई ब्रेक तो मेरे एकदम कंट्रोल से बाहर हो रही है, एकदम तेज लग जा रही है, मतलब ऐसा मेरे साथ पहले ऑटोमेटिक में हुआ था, एक दोस्त की एक ऑटोमेटिक चलाई थी तो उसके अंदर है ना बहुत तेज ब्रेक थे, और ये मुझे आज ब्रेजा के अंदर फील हो रहा है। क्या हो गया भाई, ये देखो मैं एकदम धीरे धीरे ले रहा हूँ, डर डर के गाड़ी चला रहा हूँ। सो भाई अगर रियल कंपैरिजन शेयर करना हो ना कभी भी गाड़ियों का, तो भाई अपनी गाड़ी को छोड़ दो पहले कुछ दिन के लिए, उसके बाद आपको पता चलेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब सबसे पहले बताऊँ स्टीयरिंग, भाई जो उसका स्टीयरिंग था ना पूरा, उसको पकड़ने में ऐसा लग रहा था कितना बड़ा स्टीयरिंग है यार, बलेनो का पूरा कैमरा के लेंस को कवर कर ले रहा था, प्लस जैसे देखो यहाँ से जो आई का एंगल है वो नहीं मिल पा रहा था स्टीयरिंग के, ऐसे ऐसे आ रही थी वीडियोस ना अपनी, अब ये वाला व्यू अपना मिसिंग था पूरा। दूसरा ये लपू झन्ना था, ये अब ये ना प्रॉपर मुझे दिख रहा है पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, वरना ये चीज जो है ना ये अपना जो पीछे का रियर व्यू मिरर है ये तो यूजलेस था उसके अंदर, मतलब वो पूरा लटक के ऐसे हो जाता था, उसमें दिखता ही नहीं था, बहुत ही ढीला हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आयुषी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शेयर करना हो तो आयुषी जी खुद बताएंगी। सपोर्ट उसमें कम था लेकिन सबसे ज्यादा मतलब मुझे सीवी बैठने में आ रहा है, तो इतना शर्माने की क्या बात है इसमें, शर्मा कर रही हूं मैं। तो कहने का मतलब इसका ये है भाई कि जो अंडर थाई सपोर्ट है ना ये जो है ये अपना बलिनो का ज्यादा लगा इसे, इसमें दिखाइए कैसे है, उसमें प्रॉपर मतलब ये जो ये होते हैं ना लेग्स, यहाँ से अपना इसको पेन नहीं हो रहा था बाद में, मतलब अंदर तक घुसे हुए थे, मतलब प्रॉपर पैर यहाँ तक आया हुआ था, मतलब सीट जो ना यहाँ तक थी पूरी एंड तक, और इसमें ना सीट यहीं पे खत्म हो गई है, घुटने की स्टार्टिंग बाद में हुई है घुटने के नीचे के पार्ट की, वहीं इस पे पहले ही सीट खत्म हो गई है, उसी से पहले व्यू ऐसा लगता था कि जमीन पे बैठ के चल रहे हैं। हाँ वो तो है ही है, तो दो तीन चीजें प्लस स्टीयरिंग अभी बहुत लाइट फील हो रहा है, और भी काफी सारी चीजें हैं जैसे अपना ये यू नो म्यूजिक सिस्टम है जो अपना टच वच वाला है, कभी कभी हैंग हो जाता है मगर ठीक है फिर भी उससे बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। अब देखो मैंने दो बार गलती करी है, इस रेड लाइट पे करी है, पिछली पे भी मैंने क्या किया सीधा ब्रेक दबाया क्लच दबाया नहीं, मतलब उसमें क्या था उसमें खाली ब्रेक दबाओ गाड़ी रुक जाती है, ब्रेक छोड़ो गाड़ी चलने लगती है, और क्लच होता ही नहीं, अब यही मुझे गलत आदत पड़ गई है, इस चक्कर में दूसरी बार कांड कर दिया मैंने, अभी से स्टार्ट कर लेता हूँ। दोनों चीजें दबाने की मतलब आदत खत्म हो गई है, ये वाला पैर है ना फ्री हो गया था, अब धीरे धीरे आ जाएगी ग्रेजुअली, जैसे जैसे सीखी थी वैसे ही वैसे आ जाएगी, ऐसे इतना होता नहीं है मगर पतला, पता नहीं यार क्यों ऑटोमेटिक से मैनुअल पे ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैनुअल से ऑटोमेटिक पे उतनी दिक्कत नहीं हुई मुझे, दिक्कत इन द सेंस कि मतलब कॉन्शियसली चला रहा हूँ दिमाग लगा के तो चला पा रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो कर रहा हूँ इधर उधर दिमाग कर रहा हूँ तो फिर वो भूल जा रहा हूँ मैं। मैंने यार एक चीज़ नहीं चेक करी, मेरे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, पहले गाड़ी रोकता हूँ बोनट खोल के देखता हूँ कि अंदर से क्या कंडीशन है, पता चला उसमें कोई वो ना हो कि कुछ हो थोड़ी बहुत करेक्शन कराने के लिए। ये वाला फैन नया लग गया,
यहाँ से बर्न हुआ था हल्का सा, इसको भी शायद नहीं क्लीन नहीं किया है। यहाँ पे देख रहे हो हल्का हल्का वो लग रहा है, इस वाला जो है लोहे का है ना, ये वाला पार्ट है, इस पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है नीचे की शीट लग गई नहीं पूरी की पूरी, बहुत बढ़िया। ये अपना फैन नया लग गया, आगे हो गया क्योंकि इसका लेग नया लग गया। यहाँ पे पाइप्स कनेक्टेड है ये वाले, बहुत ही बढ़िया। इधर वाला पाइप ये कनेक्टेड है, बढ़िया है। इधर ये बॉटल है, फैन चल रहा है। सबसे बड़ी ये दिक्कत थी जो फैन चल नहीं रहा था, अभी देख रहे हो एकदम मस्त दौड़ रहा है फैन, बहुत बढ़िया। ओ भाई इन्होंने ना कपलर लगा के प्रॉपर उनको लगा दिया है, मेरे जो मतलब मेरे फॉग लैंप लगे हुए हैं ना ये वाले, इनको भाई इन्होंने प्रॉपर तरीके से ये वाले कपलर्स वगैरह लगा के फिर फिट कर दिया है उन्होंने, तो मतलब इसके अंदर वायर्स को डाला हुआ था इन्होंने, कर दिया एक नंबर का काम। बहुत ही तगड़ा काम करते हैं भाई पास्को वाले, इस चीज़ में तो मैं बोलूँगा तारीफ है। ये क्या रह गया लूज मगर है, ये क्या ज़्यादा तारीफ नहीं कर दी मेरे को लग रहा है यार, कहाँ का रह गया लूज समझ भी नहीं आ रहा मुझे, लग रहा है यहाँ पे लगेगा ये, देखते हैं इसको लगा के यहाँ पे। तो भाई ये वाला जो पार्ट है ना ये यहाँ पे अभी टिका दिया है, और फोन करके पूछा है मैंने कि ये कहाँ लगेगा, तो बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि कहाँ लगता है वो चेक करके, उसके बाद इसको लगवाते हैं। बाकी ये रेडिएटर यार पुराना लग रहा है मुझे, क्या किया है इन्होंने, ये तो पुराना लग रहा है मुझे, बाहर की ओर से पुराना लग रहा है और अंदर की ओर से नया लग रहा है। ये देखो अंदर की ओर से एकदम वाइट है, सिल्वर कलर चमक रहा है, मुझे लग रहा है इन्होंने अंदर का वाला पार्ट जो है ना वही बैंड हुआ था तो वही चेंज किया है, बाहर वाला अभी भी पुराना है, पूरा रेडिएटर नया नहीं डाला है, अंदर की ओर का डाला है। प्रोजेक्टर का भी पता नहीं क्या सीन है, देखो एक चल रहा है ये वाला नहीं चल रहा है, आधा अधूरा काम किया है यार, खुश हो रहा था मैं, कोई बात नहीं कर दिया जो कर दिया, लेकिन एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है, ये सब क्या है यार, मती लगाते समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहाँ से कराऊंगा, और ये कहाँ से निकला हुआ है ये तो पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, और ये भी गिर ना जाए यार, ये अलग कलेश है, इसको लगाऊं कहाँ, एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं भाई, रास्ते भर जो गालियां दी है ना गाड़ी ने मेरे को, कितने दिन के लिए कहाँ छोड़ के आ गया था, अब जाके ठीक लग रहा है, अभी गली में पहुंची ना जब चुप हुई है, एकदम जैसे ही मोड़ा है ना मैंने गली के अंदर तभी जाके चुप हुई है, वरना पूरे रास्ते गालियां दी है कि कहाँ भग गया था छोड़ के मेरे को। बता क्या डिफरेंस बता रही थी, गेट इसके जैसे मैं खोलती थी ना वो तुरंत भागने लगते थे, मतलब पूरा खुल जाता था, इसको जहाँ छोड़ दो वहीं रुक जाता है, वहीं अटक जाता है, तो ये दूसरी गाड़ी की सेफ्टी है इसमें, दूसरी की पड़ोसी होगी हमारी नहीं। सो गाइस ये सारे पार्ट्स लगे अपनी गाड़ी के अंदर, 35,000 रुपए कुछ का बिल बैठ रहा था, जिसमें से 2,200 रुपए करीब मुझे देने पड़े हैं, 5% सैलवेज काटी है इन्होंने लोहे के पार्टों के ऊपर, जो भी बोलते हैं सैलवेज पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो चीज एक इन्होंने काटी है। उसके अलावा एक चीज नहीं समझ आई भाई, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फैन एसी, पता नहीं क्या है वो, तो शायद फैन असेंबली है, रेडिएटर असेंबली पूरी लिखी हुई है, मतलब है 3,839 रुपए की, फिर 8,300 का मेंबर एसी, पता नहीं कुछ हो रहा है साइड लेफ्ट, अब ये नहीं समझ आया कि भाई इन्होंने चार्ज किसका किया है और क्या लगाया है, क्योंकि अगर मैं रेडिएटर में देख रहा हूँ ना तो रेडिएटर में ना इन्होंने भाई जो फ्रंट की साइड से जो होता है ना एल्यूमिनियम का जो ग्रिल होता है वो वाला नहीं चेंज किया है, पीछे की साइड का किया है, हालांकि हाँ पीछे की साइड का जो ना वो ऐसे बैंड हो गया था सी शेप में हो गया था, आगे का प्लेन ही था, लेकिन भाई मुझे एक्सपेक्टेड था कि पूरा का पूरा रेडिएटर चेंज करेंगे और आगे वाला भी चेंज होगा, मुझे नहीं पता था कि वो दो पार्ट में होता है, मतलब जो एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है ना आगे से दिखता है सिंगल, वो दो पार्ट होता है, पीछे से अलग आगे से अलग, तो इन्होंने पीछे पीछे का चेंज किया है। अब कुल मिला के भैया पता नहीं जो किया है सही किया है, मेरे को तो नॉलेज है नहीं इतनी ज़्यादा टेक्निकल, आपको किसी को पता हो तो बताना कि जो फ्रंट वाला चेंज नहीं किया है क्या वो ठीक है, ये रिपेयर का काम तो नहीं है प्रॉपर काम किया है। दूसरा ये बताना है ये जो आइटम मैंने अभी आपको दिखाई है लिखी हुई ये सब इन्होंने जो चेंज करी है वो सही है नहीं है, मतलब मेरे को नहीं पता है कि क्या चीज़ें सही डाली है क्या गलत डाली है, बाकी एक बार कोशिश करूंगा थोड़ा सा पढ़ लूँ। बाकी आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि इस ब्लॉग में ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ बहुत तगड़ा किया हमने अपनी गाड़ी वापस लेके आए हैं, लेकिन हाँ इस गाड़ी के साथ ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो नेक्स्ट अब आपको ट्रैवल की वीडियोस देखने के लिए बहुत जल्दी मिलने वाली है, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाहर का टेम्परेचर है इस टाइम पे 34 डिग्री और ये बता रही है भैया 49 डिग्री, पता नहीं क्या चक्कर है समझ ही नहीं आ रहा है।